भगत सिंह वाली और गांधी वाली तो प्यारी प्यारी कन्हैया मांगे जेएनयू मांगे मीरा रोड मांगे अरे हम भी मांगे मजदूर मांगे किसान। बड़ा ताकत से होगा उस ताकत से किसी को डराने से होगा। धर्माधिकारी होगा नेता होगा सिर्फ कुर्सी ही नहीं बिस्तर से भी प्यार होगा कर्म नहीं धर्म से प्यार होगा। और नमस्कार मैं अजीम तांबोली आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज़। आज मीरा भाईंदर शहर में एनआरसी और एमपीआर के खिलाफ एक रैली निकाली गई है जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। यह रैली मीरा रोड के आला हजरत ग्राउंड होते हुए गोल्डन नेस पहुंची जहां यह रैली को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद में अपक्ष आमदार गीता जैन को एक शिष्टमंडल जाकर मिला जहाँ एनपीआर महाराष्ट्र में लागू न करे यह मांग करते हुए उन्होंने सिग्नेचर कैंपेनिंग कर जो सिग्नेचर हुए थे उनका एक मेमोरेंडम उन्हें पेश किया। आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि हम आपकी बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। उनकी ये मांग थी कि एनआरसी के लिए जो एनआरपी लागू कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी वजह से परेशानियां हो सकती है। जैसे बुज़ुर्गों के लिए अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट आप मांगेंगे तो ये हमारे देश में बहुत कॉमन है कि गांवों में जिनकी डिलीवरी हुई है उनके पास अपने कोई कागज़ या कोई प्रूफ नहीं होते या हमारे बुज़ुर्गों के पास उनके जन्म के प्रमाण पत्र नहीं होते तो इसकी वजह से उनके लिए परेशानी आ सकती है। यंग जनरेशन के लिए ठीक है तो ये रिजिडनेस कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल किया जाए ये मांग उनकी भी है। और ये कोई एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है क्योंकि अगर फॉर्म भरना है तो हमें सभी को जो भी भारत के रहवासी है सभी को भरना है इसलिए उनकी ये मांग है कि किसी एक समुदाय की तरफ से वो लोग नहीं आए थे होने वाली परेशानियों से बचने के लिए आए थे। जी हाँ मैं वो बड़ी आशा से मेरे पास आए हैं और उनका मैसेज पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि वो यहाँ इस शहर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और उनकी वो जो भी इच्छा है जायज़ है नाजायज़ है वो वरिष्ठों को फैसला करना है। मैंने उनका निवेदन लेके जाने के एज अ मैसेंजर मैं मुख्यमंत्री को ज़रूर दूंगी क्योंकि 24th से यानी कल से सेशन चालू हो रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा उनको अप्रोच करके उनकी मांगे हमारी तरफ से दे देने।